जट का एक जद्दी पुश्ती धंधा आ जी, वह हैगा खेती, जो कि सानू विरासत में मिलती आ। सो मैनू भी मेरे दादा जी तो पिता जी तो यह विरासत मिली आ, तो मैं खेती में आया हाँ। तो जी मैं पहला स्टडी की है जी, प्लस टू तो बाद मैं अपने पिता जी के नाल खेतीबाड़ी में आया हाँ। उस तो बाद मैं स्टडी भी फिर भी अपनी कंटिन्यू रखी है जी, तो मैं बीए की है। उसके पर बीए करदा करदा नाल मैं अपने पिता जी होना दे नाल भी खेती का काम कर रहा सगा जी। 2015 तो मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके तो पूरा ही खेतीबाड़ी में आ गया हाँ। उस तो बाद असी खेतीबाड़ी अपने हिसाब के नाल नवें ढंग दे नाल करनी शुरू की आ। PAU तो लुधियाणा तो असी नवी तो नवी तकनीक लै के उन्हां तो नवे नवे सुझाव लैके खेती शुरू की आ, क्योंकि साड़ी जो दो जद्दी रवायती फसलां ने कणक ते झोना, जो कि मेरे फादर साहब मेरे दादा जी हुण भी यही करदे आ रहे सीगे, पर जदों तां मैं खेती विच आया होया आ। सो असी उस खेती दे नाल नाल वक्खरी खेती नूं भी करन दा अपना टीचा रख्या आ, जो कि सानूं जिस चीज़ की लोड़ हो उस लिए असी KVK नूरमहल तो या PAU यूनिवर्सिटी लुधियाना तो जो भी सानू जानकारी चाहिए आ असी लेने रहे हैं, तो सानू बहुत ही वधिया उन्हां तो जानकारी मिलती भी रही है, जिस दे नाल असी अपनी खेती नू होर भी वधिया सुचजे ढंग दे नाल कर रहे सी जी। सो असी जो कि साढ़े 9 खेत घर दे आ, तो उस तो बाद असी ठेके ते भी कर रहे 60 खेत, तो साड़ी तकरीबन 70 क खेत की खेती आ। तो इस दे नाल ही सहायक धंधे वजों असी कंबाइना भी रखिया हुई ने जी, तो तूड़ी वाले रीपर भी रखे हुए हैं, तो किराए के काम वास्ते असी लेजर करा रूटावीटर तो सुपर सीडर की जी खेती कर रहे हैं जी। सो गल कर रहे हैं जी, अज के टाइम के बहुत ही नौजवानों का जो रुझान आ वह विदेशों वल दा आ, पर जेकर इत्थे भी असी अपने सुचजे ढंग के नाल खेती करिए अज के टाइम असी इत्थों भी चंगी आमदन का मुनाफा कर सकते हैं, पर सानू लोड़ आ अज के टाइम वधिया तकनीक की वधिया मशीनरी की, तो जिस दे नाल के असी अपना इत्थों भी वधिया रुजगार चला सकते हैं। असी जो अपनी जद्दी जो कि दो फसलां ने रवायती फसलां ने कणक ते झोना की खेती के नाल नाल इस बार सरों चुकंदर ते होर भी वक्खो वक्खरियां जो कि फसलां ने उन्हां नू लाया होया है, जिस दे नाल असी अपनी आमदन दे विच वाधा कर सकते हैं जी। होर जेकर अज दे तकरीबन विच गल करिए कि जो कि सानू सरकारां भी खेती दे विच बहुत ही वधिया जिमीदारां नू उत्साहित करन लई वक्खो वक्ख मशीनरी ते सबसिडियां मुहैया करवाउंदी आ, जिस दे नाल कि असी वह मशीनरियां लै के अपनी खेती नू होर भी सुचजे ढंग दे नाल कर सकते हैं। तो गल की जाए खेती दे विच फसलां दी, इस तो पहली साड़ी फसल आउंदी है जो आप शुरू करते हैं तो जी झोना। पंजाब सरकार ने पहला जो हुंदा सी आपां कणक वडली दे नाल दी नाल ही झोना स्टार्ट कर दिंदे सीगे, तो जिस दे नाल के पानी की बहुत ही ज़्यादा बर्बादी हुंदी सी जी, पर पंजाब सरकार ने उत्ते थोड़ा जिहा नोटिस करदिआं होइआं सरकार ने किसानां नूं जो 10 जून तो झोना लाउण लई प्रेरित किया। सो पहलां तां मुश्किलां दा सामना करना पिआ, हुण 2-3 साल तो असी देखिआ कि उस टाइम दे नाल सानूं झोना लाउण दे नाल नाल साडी जो पानी दी बचत बहुत होई आ, उस दे नाल नाल जो कि फसलां नूं बीमारी भी घट लगदी आ, क्योंकि उहनूं मौसम उस हिसाब दा मिल रिहा ते सानूं झाड़ दे विच भी बहुत वधिया वाधा होया आ। उस तो बाद आ जाती है जी जो झोने की कटाई आ, जो कि इस टाइम मुख्य समस्या चल रही आ पराली की, कि पहला जिमीदार झोना वढ के उहदी रहिंद खूंद नूं जिहनूं पराली भी कह दिंदे आपां उहनूं रीपर मार के अग लगा दिंदा सी, जिस दे नाल एक तां वातावरण खराब हुंदा ही हुंदा है, उस दे नाल साडी उपजाऊ धरती दे विच जो उपजाऊ तत् ने जो जीव ने जां आपां उहनूं मित्र कीड़े भी कह सकदे आ वह इस धरती दे विच नष्ट हो जांदे सीगे, जो कि साडी फसल नूं एक कह सकते हैं भी नुकसान झलना पैंदा सीगा जी। उस दे नाल सरकार ने बहुत ही वधिया मशीनरी तैयार कीती आ, जिवें कि मल्चर किए आ, पलॉ किए आ, हुण नवां सुपर सीडर आ गया आ, हैप्पी सीडर आ गया, जिस दे नाल कि असी इन्हां दी पराली नूं विच ही खेत दे बाह के अपनी जिहड़ी आ नवीं फसल नूं उहदी बिजाई कर सकदे आ। तो उस दे नाल जेकर सानूं पराली दी दिक्कत आउंदी आ उस दे नाल नाल असी राउंड बेलर आ गया, दूजे बेलर स्क्वायर बेलर आ गया, कि बेलर दे नाल अपने खेत दी विच जिहड़ी पराली आ उहनूं चक के उहनूं फैक्ट्रियां दे विच बेच के असी मुनाफा भी कर सकते हाँ, तो अपने खेत नूं भी पद्धरा कर सकते हाँ। तो उस तो बाद सरकार
तूड़ी वाली की गल करते हैं, बाद कणक की रेंद खूंद के वास्ते जो कि असी सट्टरा रीपर के नाल जिन्हों तूड़ी वाला रीपर भी कह दें, वो साढ़े को अपने भी है, उस दे नाल अपने खेतों की पराली कणक के नाड़ नूं विच तूड़ी बना के अपने पशुओं के चारे वास्ते भी वरतदे हां, ते उस नूं मंडियां दे विच बेच के ते असीं अपनी आमदन विच वाधा कर सकते हैं। सो अज दे टाइम दे विच आपां देख रहे हां कि सरकार जिहड़ी किसानां वल बहुत ही ज़्यादा अपना रुझान रख रही आ, क्योंकि खेतीबाड़ी ही पंजाब दा अहम हिस्सा आ। 70% जो कि पंजाब दे विच आबादी आ उह निर्भर आ फसलां ते किसान नहीं ते तां खेतीबाड़ी ते। सो गल करते हैं जी मेरे खेती दे अज तक दे सफ़र दी। सो सब तो पहला 2015 तो मैं खेती अपने फादर साहब दे नाल शुरू की सी। उस टाइम असी थोड़े जे रकबे दे नाल खेती शुरू की सी, तो साढ़े तो एक ट्रैक्टर सीगा। हौली हौली असी खेती विच वाधा करते हुए वड्डे लैवल दी खेती वाला साडा टीचा सीगा, तो उहनू अपने टीचे नू पूरा करते हुए असी कंबाइन दा सब तो पहला कंबाइन लई। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ। मैं तो मेरे पिता जी दोने जाने असी अपनी खेती कर रहे हैं। सो असी इस खेती तो बहुत ही वधिया मुनाफा भी खट रहे हैं, तो अपने शौक दे नाल अपना ये काम कर रहे हैं। एक हुंदा कि कोई भी काम करना है जी उहनू बंजिश विच रह के करना, जां उह एक हिसाब दा भी आपां काम करना ही पैना बंजिश दे, असी उस तरह नहीं, असी अपनी खेती नूं एक शौक दे तौर ते करदे हां कि जिस दे नाल असी खुश भी हाँ ते बहुत वधिया लाभ भी कमा रहे हैं। सो गल करते हैं कि अज के टाइम के बच्चे मैं तो मेरे पिता जी पिंड एक सफल किसान वजों जाने जाते हैं। उसका कारण यही आ कि असी अपनी खेती बहुत ही सुचजे तो नवी तकनीक दे नाल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी से टाइम सिर जो भी कैंप लगते हैं उन्होंने अटेंड करने जाने, उत्थों नव ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिस दे नाल कि असी अपनी खेती होर भी वधिया ढंग दे नाल करते हैं। जो कि कोई भी नवी मशीनरी आती है असी उसनों पहला जाके उसका ट्रायल लगाने, जिस थां ते भी हुंदी आउंदी आ फैक्ट्रियां विच जाने कि वह मशीनरी का सानू किहो जिहा फायदा हुंदा, उस तों बाद उहनू ट्रायल दे तौर ते अपने खेतां दे विच भी लैके आउंदे आ, खेत दो खेत उस चीज़ दे नाल भाई करदे आ, जां कोई नवीं फसल आउंदी आ उहनू अपने खेत विच लाउंदे आ, उह खेत विच ला के अपने आमदन दा देखदे आ भी इस दे नाल सानू किन्नी आमदन हुई आ, उस तों बाद असीं उह फसल नूं होर भी अगे आण के जिहड़ा कि लंबे टाइम दे कह सकदे जां वी उहनूं वाधा खेतां विच वाधा करदे आ जी। ते असी झोने दीआं ज़्यादातर दो किस्मां ते ला रहे हैं जी, एक PR 144 ते PR 121, जो कि यह दो फसलां लगा के असी अपने झोने दा वधिया मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। ते इस बार असी थोड़ा जिहा रकबा PR 126 का भी ला के देखिया सीगा, जिस दे नाल कि सानूं उह भी बहुत वधिया फसल लगी, तो आने वाले टाइम विच असी उस फसल दे होर भी खेत करांगे। तो इस तो बाद साडी रवायती फसल आउंदी है जी कणक। कणक दे विच असी इस बार 726 3086 अते थोड़ा जिहा रकबा असी 187 का भी लाया आ कि वह ट्रायल तौर पर लाया कि उसका किस तरह का झाड़ रहिंदा आ ते उस झाड़ दे नाल असी किन्ना क मुनाफा प्राप्त करदे आ। तो गल कर रहे हां फसलां दे विच आउण वालियां बीमारियां दी। सो झोने ते अपने किसान वीर ते असी भी बहुत ही ज़्यादा देख रेख कर रहे हैं, उस दे अनुपात असी लाइए तो कणक की असी इन्नी गौर नहीं करते, पर इस बार पिछली बार असी अपनी कणक दे बहुत ही ज़्यादा उत्ते देख के उन्हूं केड़ी प्रॉब्लम आउंदी है केड़ी नहीं, उस दे हिसाब दे नाल किन्नी डोज यूरिए दी देनी आ, किन्ना पानी लाउणा, किन्ना करना आ। मैं तो मेरे पिता जी ने बहुत ही सुचजे ढंग दे नाल रह के पूरी फसल अपनी देखी, तो असी बहुत ही वधिया पिछले सालों नालों वध झाड़ लै के अपना लाभ कमाया जी। खेतीबाड़ी दे विच मैं किसान वीरां नूं यही कहना आ कि खेती करनी आ तां बहुत ही सुचजे ढंग दे नाल नवीं जानकारी नाल करो, जिस तरह के सानूं यूनिवर्सिटी ते KVK नूरमहल तों
साढ़े लागे पैंदी है, उतों जानकारी लैके सुचजे ढंग नाल करियो। आने वाले टाइम के मेरा तो मेरे फादर साहब का टीचा ये आ कि असी होर भी वक्खो वक्ख फसलां लाइए। जिस तरह इस साल असी 6 खेत का रकबा सरों का किया होया आ, तो उस दे नाल ही 2 खेत चुकुंदर दे लाए हुए आ, तो बाकी सब्जियां भी थोड़ा वाला लाइया हुई आ। रकबा देखे भी इन्हां विच सानू कितना प्रॉफिट हो रहा आ। सो जरूरी नहीं कि आपां इक्को ही फसलां ते डिपेंड रहीए, थोड़ा थोड़ा वक्खरियां फसलां वल भी सानू जाना चाहिए आ कि आने वाले टमें समय विच असी किसी भी हिसाब नाल किसी भी फसल के उत्ते निर्भर हो सकीए। जेकर आप 2 फसलों पर निर्भर रहने तो इन फसलों नू छड के सानू वक्खरियां फसलों भी जाना चाहिए आ। सो ये खेतीबाड़ी तो हटते हुए असी नाल अपने सहायक संदे शुरू किए, जिस दे विच कि असी कंबाइन रखे हुए है जी। वो अपनी भी फसल की कटाई करते हैं, तो नाल दी नाल पिंड विच अपने होर जिमीदारां दी फसल की भी कटाई कर रहे हैं, तो जिस दे नाल असी अपनी कमाई का वाधा कर रहे हैं। उस दे नाल सुपर सीडर अते रूटावीटर रखे हुए ने जी, वो जो कि साढ़े पिंड विच बहुत जिमीदारां कोल वधिया मशीनरी नहीं उपलब्ध हुंदी, तो असी उन्हां दा किराए ते काम कर रहे हैं। उस दे नाल असी अपने खेतों के विच जो कि लेजर करा भी फेरी दा ते किराए ते भी फेरी दा, जो कि एक इस टाइम खेतीबाड़ी दे विच बहुत ही कारगर साधन वजों यह अपना जो लेजर किराया साबित होया आ। इस दे नाल असी अपने पानी की बचत बहुत ही हद तक कर सकते हैं। अपने खेत नूं एक सार पद्धरा करके पानी की फसल के नाल नाल सानू झाड़ विच भी बहुत वध मुनाफा मिल रहा है, क्योंकि अगे हुंदा सीगा अपने खेत उच्चे नीवे हुंदे सीगे जी, तो कई थावां ते पानी चढ़दा नहीं सी, कई थावां ते ज़्यादा पानी होना अपनी फसल बर्बाद हो जाती सी। तो असी ये करके देखा कि साढ़े खेत में लेजर करा किया हो उस दे नाल पानी नूं तां फर्क पैंदा ही पैंदा, नाल फसल झोने नूं भी जिहड़ा झाड़ दे विच चाहे वह झोना ला लो, कणक ला लो, कोई भी फसल ला लो, उस दे झाड़ विच भी बहुत वाधा हुंदा आ। उस दे नाल नाल असी तूड़ी वाले रीपर भी रखे हुए ने, जो कि कणक दे रहिंद खूंद जिहनूं आपां नाड़ भी कह दिंदे आ, उस दी तूड़ी बना के असी स्टॉक कर लईदी आ। तो समें दे हिसाब दे नाल जदों कि फसल चारा मंडी दे विच पशुआं दी मंडी दे विच असी डेयरियां दे विच लैके जांदे आ, तो उस नूं डेयरियां दे विच वेच के अपनी आमदन दे विच वधिया मुनाफा वध करदे आ जी। जो कि ये हुण अपने नवंबर महीना चल रहा आ, सो इस विच तुसीं खेतां विच देख रहे हो कि कणक दी बहुत ही वधिया फसल आ रही आ। सो पहले पानी लाउण दे आपां बहुत ही करीब हाँ, कई अगेती फसलों अगेती कणक नूं पानी दी फसल पानी लगा भी रहे हैं। सो गल कर रहे हैं इस बार कणक की बिजाई की ते पराली की सांभ संभाल की। झोने की कटाई तो बाद साड़ी रवायती फसल कणक आउंदी है, जो कि सब तो पहला सानू अज्जे टाइम विच जो मुख समस्या आउंदी है वह आउंदी है पराली की। सो असी पराली दे सांभ संभाल ली जां आपां कह लईए नबेड़े ली वक्खरो वक्खरे ट्रायल कर रहे सीगे पिछले 2-3 सालों तो, जिस दे विच एक तां साडा बेस्ट ट्रायल ये रहा कि असी जदों फसल SMS दे नाल, सब तो पहला कटाई कंबाइन दे नाल SMS नाल करनी चाहीदी है जी। SMS दे नाल कटाई करके जिहड़ा उपरला पुठा हुंदा है ते उहदा कुतरा हो जांदा है जी, ते उह खेत विच खिलार दिंदे आ। उस तों बाद आपां मल्चर चाहे वह ला लो तुसीं चौपर दो आउंदे आ, जो कि नाल जो खड़े मुढ हुंदे आ उहनां दा भी कुतरा करके उहनां नूं खेत विच ही खिलार दिंदे आ। उहनां नाल करके असीं रूटावीटर नाल जो कि जिन्हां दी घट पराली आउंदी आ PR 126 ला लो, PR 121 ला लो, जां 27 ला लो, इहनां दा जिहड़ा कि नाल घट हुंदा आ, इहनां नूं असीं मल्चर जां चौपर फेर के उस तों बाद रूटावीटर दे नाल जां सुपर सीडर दे नाल सीधी बिजाई कर सकदे आ। जेकर असी गल करिए फूसा 144 की, उसका नाड़ जो कि बहुत ही ज़्यादा हुंदा आ, तो वह मल्चिंग
करके चॉपर या मलचर फेर के रूटावीटर वो नहीं चलाया जाता, वो वास्ते आता आ फिर पलाओ जी। पलाओ मार के असी अपने खेतों के किसी भी चीज़ के नाल, चाहे रूटावीटर ना ला लीए, चाहे सुपर सीडर ना ला लीए, चाहे हाथ की बिजाई ना भी कर सकते हैं, छिट्टे के नाल जिन्हों आप कह दें, तो ज ड्रिल नाल भी दाने कीर सकते हैं। बट गल कर रहे हैं कि अज के टाइम वो डीजल के जे रेट वाइज देखा जाए तो बहुत खर्चा आता जी। इसलिए असी इस बार अपने खेतों के सीधी ही SMS के नाल कटाई करके कणक की बिजाई सुपर सीडर के नाल की है, अते जो 144 का सीगा उन्हूं असी पलाओ मार के जिहड़ी अपने खेतों के बिजाई की आ। इस बार तो हले फसल दे बहुत वधिया फसल आ जी, कोई समस्या नहीं आ रही। पर पिछले साल की जिहड़ी समस्या असी दस रहे हैं कि जो असी सुपर सीडर के नाल कणक बीजी हुई सी ते पराली विच बौण दे नाल खेत की जिहड़ी कि तह पूरी नहीं लग रही तो खेत पोला रहिंदा आ। उस दे नाल इक तां जी पहले पानी दे विच जिहड़ा कि पहला पानी आ किसान वीरो वो बहुत ही कोल रह के ते सामा सामा पौना लाउणा पैणा, क्योंकि कई बार ये हुंदा कि आपां रात नूं मोटर चला दिंदे आ ते अपने खेतों में पानी ज़्यादा भर जाता आ, ते जिस दे नाल के पराली विच बौण दे करके इन्नी छेती जिहड़ा खेत है अपना वह पानी नहीं जीरदा, उस दे नाल अपनी कणक की जिहड़ी फसल है वह काफ़ी पीली पै जाती आ। एक तां समस्या सानूं ये आई सी पिछले साल, दूजी समस्या पराली विच बौण दे नाल चूहे की बहुत ज़्यादा जिहड़ी प्रॉब्लम आई आ, वह कणक दे टाइम तो लैके वह झोने के टाइम तक भी आई जी। किसानां ने देखिया भी होगा अपने खेतों में फिर के कि इस बार जिहड़ा चूहा आ ना वह झोने की भी कटाई कर रहा सीगा। सो ये दो प्रॉब्लम आईयां आ, ते जिहड़ा कि चूहे की तो हले कोई साढ़े तो रोकथाम सही नहीं आई। असी अपने खेत में कर सकते हैं दवाई रख सकते हैं तो, पर जब तक दूजे खेत में चल जाता तो वह तो साढ़े तो हले कोई वह सल्यूशन नहीं है। जेकर आप गल करिए कि पीली पैन की, वह एक सल्यूशन असी देखा कि छोटे क्यारे बनाइए अपने, तो दिन के टाइम पानी लाइए, तो पानी बहुत ही घट मात्रा के लाइए भी बहुता खड़ा नहीं करना पानी, लोड़ अनुसार जिन्ना क पानी ला के तो दूजे क्यारे दे विच ही पानी मोड़िया जाए, तो उस तो बाद जदों अपनी फसल के पैर अठन लगता तो आप अपनी जिनी मात्रा के यूरिया पाना आ उन्नी यूरिया पा के तो अपनी फसल में सुचजे ढंग के नाल करिए, तो जिस दे नाल आपां वध पैदावार लै सकीए फसल तो। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए
सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।